हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे वीवो वी ट्वेंटी प्रो में और ओप्पो रेनो 4 प्रो में। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले से। वीवो की है 6.44 इंच की रेजोल्यूशन है 1024x2400 पिक्सल और उसमें एमोलेड डिस्प्ले का यूज किया गया है। और ओप्पो की जो डिस्प्ले है वो 6.5 इंच की है, रेजोल्यूशन है 1024x2400 पिक्सल और इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले का यूज किया गया है। और इसमें आपको पंच होल डिस्प्ले भी दी गई है। बात करते हैं प्रोसेसर की। वीवो का है स्नैपड्रैगन का 765G का, सीपीयू है 2.4 GHz ऑक्टेकोर का और इसमें 7 nm का फिनफैट और इसका जीपीयू है 620 का। और ओप्पो का जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का है 720G का, सीपीयू है 2.3 GHz ऑक्टेकोर का और इसमें 8 nm का फिनफैट और इसका जीपीयू है 618 का। प्रोसेसर के मामले में वीवो आगे हैं। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, दोनों का सेम है एंड्रॉइड 10। बात करते हैं बैक कैमरे की, वीवो वी ट्वेंटी का है ट्रिपल 64+8+2 मेगापिक्सल का और ओप्पो का है क्वाड में 48+8+2+2 मेगापिक्सल का। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, वीवो का है डुअल 44+8 का और ओप्पो का है सिंगल 32 मेगापिक्सल का। फ्रंट के कैमरा के मामले में वीवो आगे हैं। बात करते हैं बैटरी की, दोनों में सेम है 4000 mAh की बैटरी है दोनों फ़ोन में। दोनों फ़ोन बैटरी नॉन वेल है, आप दोनों की बैटरी को निकाल सकते हैं। बात करते हैं 400 की, वीवो में 33 वाट का और ओप्पो में है 65 वाट का। दोनों फ़ोन में टाइप सी का सपोर्ट दिया गया है। बात करते हैं सिम की, तो वीवो में है आप दो सिम और 7 mAh का डाल सकते हो, सॉरी वीवो में आप दो सिम डाल सकते हो लेकिन आप ओप्पो में दो सिम और 7 mAh का डाल सकते हो। और फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस रिकॉग्निशन में दिया गया है। बात करते हैं रैम की, दोनों में सेम है 8 GB की दी गई है। बात करते हैं मेमोरी की, वीवो में 128 GB 256 GB की, ओप्पो में 128 GB की। बात करते हैं प्राइस की, तो वीवो का जो स्पेक्टिव प्राइस है वो 30 या 4000 के बीच में होने वाला है और ओप्पो का है 8 GB 28 GB का 34,999 रुपये। तो फिर आपको दोनों फोन से कौन सा फोन पसंद है कमेंट में जरूर बताना।